आप लोगों ने पॉलिटिकल वेंडेटा शब्द तो सुना ही होगा, यानी कि राजनीतिक कारणों से किसी से अपनी निजी दुश्मनी निकालना, नेता का नेता से। ये विवाद तो आम बात हो सकती है, लेकिन शायद ही कभी किसी राजनेता ने बड़े पद पर आने के बाद ऐसा बयान दिया हो जैसे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिया है। यानी चुनी हुई सरकार अपने ही राज्य के एक हिस्से के डेवलपमेंट से मना कर रही है और कोई भी इसे लोकतंत्र की हत्या नाम नहीं दे रहा है। नाम देना तो दूर की कौड़ी है, आप ये खबर मीडिया में भी नहीं देख रहे होंगे। बेंगलुरु में जयनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कथित तौर पर फंड रोके जाने के विवाद के बीच डीके शिवकुमार ने मंगलवार को ये खुद स्वीकार किया है कि भाजपा विधायक सीके रामामूर्ति के एक बयान के कारण विवेकाधीन कोटे के तहत इस इलाके की फंडिंग रोक दी गई थी। शिव कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर जयनगर को फंडिंग नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बेंगलुरु का मंत्री बनने के बाद शहर की हालत खराब हो गई है। ये जवाब शिव कुमार ने तब दिया जब पत्रकारों ने उनसे जयनगर निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी पर उनका बयान मांगा था। शिव कुमार ने कहा कि मैंने राजराजेश्वरी नगर, पद्मनाभ नगर, बोमनहल्ली और दशरहल्ली निर्वाचन क्षेत्रों को फंडिंग दी। इन जगहों पर भी भाजपा विधायक है। यह उप मुख्यमंत्री को दिए जाने वाला एक विवेकाधीन अनुदान है, लेकिन जयनगर के विधायक कह रहे हैं कि बेंगलुरु की हालत खराब हो गई है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आखिर यह हालत में गिरावट क्या है। शिव कुमार से कांग्रेस विधायकों के इस दावे पर भी बयान मांगे गए थे, जिसमें उन्होंने भी फंडिंग ना मिलने की बात कही है। तो शिव कुमार ने कहा कि वो किसी निर्वाचन क्षेत्र को सिर्फ इसीलिए 100 करोड़ नहीं दे सकते क्योंकि वे इस बोस की मांग कर रहे हैं। यानी एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे किसी निर्वाचन क्षेत्र को विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग नहीं देंगे। वजह यही है कि उस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें मतदान नहीं किया। हकीकत यह भी है कि चुनावी वादों की लागत के बोझ तले दबी कर्नाटक सरकार बेंगलुरु और अन्य शहरों में बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने को वर्ल्ड बैंक से 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेने पर भी विचार कर रही है। चुनाव जीतने के लिए जो 5 गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसके अब अपनी इन गारंटियों को पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। इसमें कारण यह है कि मुफ्त राशन, बिजली, महिलाओं और रोजगार, युवाओं को भत्ते और महिलाओं को फ्री बस यात्रा जैसे वादे पूरे करने के लिए भारी भरकम पूंजी की जरूरत है और इन गारंटियों को पूरा करने में राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाने को कर्नाटक सरकार डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव नाम दे रही है और अंतिम मंजूरी फरवरी 2025 तक मिलने की उम्मीद है।